हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएस रिव्यूज़ में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स की मूवी रेड नोटिस को, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रेड नोटिस ये मूवी आज ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है। और आगे कुछ भी बोलने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को नॉर्मल एक्शन क्राइम थ्रिलर देखना पसंद आती हैं जिनमें आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े तो शायद आपको ये मूवी पसंद आ सकती है। लेकिन एक न्यूट्रल ऑडियंस को ये मूवी कैसी लगेगी इस पर तो मैं आगे वीडियो में बात करूँगा। अगर हम इसी कहानी की बात करें तो ये कहानी है जॉन नाम के एक FBI एजेंट की, जिसे नॉलन के साथ मिलकर सारा को पकड़ना है। तो ये नॉलन कौन है, सारा कौन है और इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है और किस तरह से जॉन इन दोनों को पकड़ता है, यही सब इस मूवी की कहानी है। अगर हम इसके स्क्रीन प्ले की बात करें तो पर्सनली मुझे इस मूवी का स्क्रीन प्ले बस ठीक ठाक ही लगा है, क्योंकि जिस तरह से मूवी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि किस तरह से सारी सिचुएशंस चल रही हैं, नॉलन किस तरह का इंसान है, जॉन उसे किस तरह से पकड़ना चाहता है, वो सब मुझे बस ठीक ठाक ही लगा है। मतलब वो सब इतना अच्छा नहीं था कि हम इस मूवी में उस तरह से इन्वेस्ट हो पाए जिस तरह से हमें होना चाहिए था। और फिर जिस तरह से मूवी आगे बढ़ती है और अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करती है, वो सब भी मुझे बस ठीक ठाक ही लगा है, क्योंकि हम किसी भी पॉइंट पर इस मूवी में पूरी तरह से इन्वेस्ट नहीं हो पाते हैं, जो कि काफ़ी बुरी बात है। और जहाँ तक बात है ट्विस्ट एंड टर्न्स की, तो वो भी मुझे बस ठीक ठाक ही लगे, क्योंकि कोई भी ट्विस्ट हम पे उस तरह का इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाब नहीं हो पाता है जिस तरह का उसे छोड़ना चाहिए था। लेकिन फिर भी हम बोर कहीं भी नहीं होते हैं। और जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनेमिक्स की, तो सभी कैरेक्टर्स को इतने अच्छे से तो लिखा ही गया है कि हमारा लगभग सभी कैरेक्टर्स के साथ एक ठीक ठाक सा कनेक्शन बन जाता है। और जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनेमिक्स थे वो भी मैंने इन्जॉय करे हैं। और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस मूवी में, लेकिन उन सब पर बात करके मैं आपके इस मूवी को देखने का मजा खराब नहीं करना चाहता। और अगर हम एक्टिंग बात करें तो सभी एक्टर्स का काम वैसा ही है जैसा उनका यूजुअली रहता है, इसलिए इनकी एक्टिंग के बारे में ज्यादा बात करके मैं आपका और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। और जहां तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, तो डायरेक्शन इस मूवी का ठीक ठाक है और एडिटिंग मुझे पसंद आई है। और अगर हम प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो वो काफी ज्यादा अच्छी है। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद आती है जिनमें आपको ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े और आपको देखने में मजा भी आए, तो आपको ये मूवी पसंद आ सकती है। लेकिन एक प्रो ऑडियंस को जिन्हें हर मूवी में कुछ नया चाहिए होता है, उनके लिए ये मूवी नहीं है। तो आपको ये मूवी देखनी या नहीं ये आपके ऊपर है। और अगर आप लोगों ने मूवी देख ली हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन या शिकायत करनी हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर हम इंस्टाग्राम और ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।